बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बाजू का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखें, इसके लिए मैंने ये मेरे पास कपड़ा चौड़ा था, लंबाई इसकी कम थी, तो मैंने इस तरह से इसकी पट्टियां बना ली हैं। ये तकरीबन मैंने 2 इंच की पट्टी ली है और आगे बाजुओं के डिज़ाइनिंग के लिए ये पट्टी तकरीबन 3 इंच चौड़ी है और ये लैस है इसके साथ और ये बाजू हैं। ये इस तरह से मैं इसकी पट्टियाँ बना लूँगी, तकरीबन 1/2 इंच की मैं पट्टी बनाऊंगी। देखें, इस तरह से मैं सारी पट्टियां बनाऊंगी, दोनों साइडों पे इसी तरह सिलाई लगा लूंगी। ये देखें, मैंने ये 2.5 इंच की पट्टियां काट ली हैं सारी, और एक ये मैंने कागज़ का पीस लिया है, ये तकरीबन 1.25 इंच चौड़ा है, तो अपने बाजू के हिसाब से इसकी आगे से चौड़ाई रखें। मेरा बाजू आगे से 12 इंच है, इस तरह से मैं साथ साथ रख के लगाती जाऊंगी। ये इस तरह से ये बाजू के सेंटर पर मैं इस तरह से एक कट लगाऊंगी, ये मैं इस तरह से फोल्ड करके इसके सेंटर पर भी कट लगा लूँगी एक। इसको यहाँ रखें, इस तरह से एक पिन लगा दूंगी मैं, इधर सेंटर हो गया। अब मैं सिलाई लगाऊंगी इधर से, इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये इस तरह से पट्टी को मैंने फोल्ड कर लिया है, अब इस तरह से इसको फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद मैं बाजू का जो मेरा डिज़ाइन है, इस तरह से इसकी मेजरमेंट करूंगी, यहाँ तक निशान लगा लूंगी मैं दोनों साइडों पे। ये देखिए, ये मेरा निशान है, एक सिलाई इस तरह से मैं साथ और लगा दूंगी। ये इस तरह से इसके ऊपर मैं लैस लगाऊंगी रखकर।
के आगे इस तरह से मैं टसल लगाऊंगी, ये एक फूल सा बनाकर आगे लगा देंगे। अब इस तरह सीधा करूंगी इसको, मैं दूसरी साइड पे भी इसी तरह लगाऊंगी। ये दोनों लगा लिए मैंने, अब इस तरह से इनको बराबर रखकर मैं काट दूंगी। अब इसको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये कागज़ उतार दूंगी मैं और इसको सीधा करके आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसको इधर इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। ये बाजू का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से बने हुए बहुत प्यारे लगते हैं बाजू। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।